हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन। सो यहाँ पर एक प्रॉब्लम गिवन है जिसमें आपको दिया है फर्स्ट इंटीग्रेशन 0 to 1, सेकेंड 0 to 2 एंड फंक्शन है x प्लस वाई। इसको इंटीग्रेट करना है, वो भी डबल इंटीग्रेशन है। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो ये फर्स्ट इंटीग्रेशन है, ये लिमिट्स किसकी हैं? dx की। दिस इज़ अवर फर्स्ट इंटीग्रेशन। ये जो लिमिट्स हैं 0 to 1, ये किसकी हैं? x की लिमिट्स हैं। एंड ये जो सेकेंड इंटीग्रेशन है, ये है y के रिस्पेक्ट में और इसकी लिमिट्स हैं 0 to 2। तो व्हेन वी आर परफॉर्मिंग इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट, इसके लिए कर रहे हैं, अगर ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स ले रहे हैं 0 to 2, तो आप y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करेंगे। ओके, सो इसको आप जब फिर से लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये जो लिमिट, ये जो इंटीग्रेशन है, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा dy, एंड फिर ब्रैकेट लगा सकते हैं, एंड सेकेंड आपका ये जो है इंटीग्रेशन, ये है विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको इंटीग्रेट करना इजी है, ओनली यू हैव टू नो दिस कि ये जो इंटीग्रेशन है, ये y के रिस्पेक्ट में है, तो x का इंटीग्रेशन xy हो जाएगा बिकॉज x इज कॉन्स्टेंट। y का y के रिस्पेक्ट में y स्क्वायर बाय 2 होगा। लिमिट्स लगाएंगे 0 to 2, लिमिट्स रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, अपर लिमिट 2 रखेंगे तो ये 2x, यहाँ भी 2 रखेंगे 4/2 हो जाएगा 2, एंड लोअर लिमिट जब आप रखेंगे तो ये 0 देगा, एंड dx। अब x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो यहाँ x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, जिससे 2 से 2 कैंसिल होकर बचेगा ओनली x स्क्वायर। यहाँ पर 2x, लिमिट रख देंगे 0 to 1, अपर लिमिट रखेंगे 1+2 हो जाएगा, लोअर लिमिट 0, सो आंसर इज 3। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं डबल इंटीग्रेशन को।